से आए हो? मैं रूपास। ये भरतपुर जिले से आए हैं किसान, और ये किस लिए यहाँ आए हैं हमारे ग्राम शोक में गुरु कृपा हर्बल फार्म के ऑफिस में, इनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय दो आप किसान भाइयों को। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है सर, रूपास का रहने वाला हूँ मैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान से, और मैं कंडोला के जो जड़े होती है वो भाई साहब से लेने के लिए लाया आया हूँ। अगले साल मुझे कंडोला की खेती करनी है। चलो कंडोला कपोड़ा कहते हैं इसको, कंडोला भी कहते हैं, इसके ये कंद है, मैं भाई साहब से लेने के लिए आया हूँ, और मैं इसकी खेती करके और अपने एरिया में पहली बार मैं इसकी खेती करूँगा, और किसानों को भी अगले साल के लिए प्रेरित करूँगा कि वो इसकी खेती करें। इसमें अच्छा किसानों को मुनाफा मिलता है, जब ये शुरुआत में चलता है तो 100 से 150 रुपये किलो बिकता है, और इसकी जड़ों से जो बेल बनती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंडोला के फल आते हैं बजाय बीज की, इसलिए मैंने ये जन लेने का फैसला किया है। आपका पूरा नाम बता दें एक बार। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा, रूपास जिला भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और आप कहाँ पर आए हो ये? मैं भाई साहब के पास, ये गांव है सौंप, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर के पास है टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सवाई माधोपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं सवाई माधोपुर होकर आया हूँ, और ये बहुत अच्छी किसानों के लिए बहुत अच्छी फसल है, इसको लगा के किसान बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भाई साहब का बहुत अच्छा इसमें सहयोग रहता है किसानों के लिए, बहुत अच्छे व्यवहार कुशल हैं भाई साहब, मैंने इनका नेचर देख लिया, फिर मैं इनको पैसे भी डाल सकता था, पर पर्सनल मिलने के लिए ही मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ इनके पास। तो इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा व्यवहार है, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब का नेचर, और अब इनको मैं ले जाऊंगा भाई साहब से, और अगले साल के लिए इसकी तैयारी। किसान भाइयों, विनय कुमार जी शर्मा साहब जो है भरतपुर से काफ़ी दूर जाए हैं ट्रेन से चल करके, और हमारी कई बार फोन पे बात हुई, तो आज ही हमारे पास में ये अप्रैल में इसका लगाने का टाइम होता है, हम अभी इसको निकाल करके हमारे खेत में से और इसको स्टोर करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में इसको रखेंगे और अप्रैल में इनको देंगे। अभी हमें ये बुकिंग कराने के लिए, पेमेंट करने के लिए अभी हमारे पास आए हैं, बाकी माल इनको जो है ना अप्रैल में दिया जाएगा, इनकी इच्छा है कि हम अप्रैल में लेंगे, बाकी आज ये कुछ जानने के लिए सीखने के लिए हमारे पास व्यक्तिगत रूप से आए हैं। पैसा तो वहीं से वो डालने वाले थे, बाकी बोले मैं वहीं मिल करके आपसे बात करूंगा और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करके। तो आप भी अगर कंट्रोला की जड़ हमारे पास उपलब्ध है, और जो किसान भाई बुकिंग कराना चाहते हैं अभी हम सही रेट पे, कम रेट पे, और आपको अच्छी जड़ है, इस तरह की आप देख रहे हो मोटी बारी जैसी भी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की जड़ हम आपको देंगे। देखिए कि जड़ से 1 से 2 किलो 3 किलो ककोड़ा इसपे लगने वाले हैं, ये आप विश्वास रखिए बहुत अच्छी जड़ है, और अभी हमारे यहाँ बुकिंग चालू है, जैसे ये भरतपुर से आए हैं, आज हमारे पास पूरे देश भर के कई किसानों के ऑर्डर भी आते हैं, बुकिंग भी कर रहे हैं। तो बाकी आप भी अगर कंटोला ककोड़ा खेक्सा कई नाम से पूरे देश भर में इसको जाना जाता है, इसकी सब्जी अब सीजनेबल, पहले सीजनेबल बरसात में लोग खाते थे, आज की तारीख में अभी 150 रुपये किलो बाजार में इसकी सब्जी, आज का जो वेजिटेबल जो है ग्रीन वेजिटेबल मिलती है। बाकी कई जागरूक किसान जिन्होंने हमसे पौधे लिए, बीज लिए, ये जड़ ली, वो आज अच्छी पैसा आज इससे कमा रहे हैं, आज उनके भी हमारे पास कई वीडियो कई फोन आते रहते हैं। तो ये अब सीजनेबल नहीं, साल के पूरे 12 महीने इसकी सब्जी लोग खाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि अभी लगाओ, बाकी इसका जो टाइम जो ड्यूरेशन है ना इसको मैनेज सही करते हैं, तो ये जुलाई से लेकर के जून से लेकर के और आपके नवंबर तक इसमें फल पर्याप्त मात्रा में फल आते रहते हैं, और 1 एकड़ से 3 लाख रुपए की यहाँ से इनकम किसान को प्राप्त होती है। बाकी जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो गुरु कृपा हर्बल फार्म जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे हमने काफी वीडियो अपलोड कर रखे हैं कंटोला केक्सा ककोड़ा के बारे में, आप वहाँ से देख करके पूरी और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। आज इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।